दोस्तों, क्या कभी आपने प्लेन को बिना पायलट के चलते हुए देखा है? और क्या आपने ऐसा प्लेन देखा है जिसमें पैसेंजर की जगह कंकाल बैठे हुए होते? अगर नहीं तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एरोप्लेन से जुड़ी आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी बताने जा रहे हैं जो कि 35 सालों तक हवा में रहा, और जब उसे लैंड किया गया तो लोगों को उसे देखकर होश उड़ गए। अब बहुत से लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल के साथ जोड़ते हैं, तो कहीं लोग इसे किसी भूतिया कहानी के साथ भी जोड़ते हैं। अब घटना भले ही कोई भी क्यों ना हो, लेकिन चौंकाने वाली जरूर है। अब आप खुद ही उस कहानी को सुनिए। दोस्तों, प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, और अगर उस समय कोई गलती हो जाए तो आपका बचना नामुमकिन हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइट नंबर 513 की। ये बात है 4 सितंबर 1954 की, जब सेंटियागो फ्लाइट 513 की वेस्ट जर्मनी के आर्चन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिसे ब्राजील के पोर्टो एलेजरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना है, और ये सफर करीब 18 घंटे का है। इस फ्लाइट में 4 क्रू मेंबर और 88 पैसेंजर्स थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब प्लेन उड़ान भरने के बाद अटलांटिक ओशन के पास पहुंचता है तो वो ATC के रडार से अचानक गायब हो जाता है। अब ये देखकर ATC वाले हैरान रह गए और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। कुछ मिनट के बाद भी फ्लाइट रडार सिस्टम में नहीं आई। ATC वाले अब सीधा फ्लाइट से कांटेक्ट करने लग गए, लेकिन उन्हें अब फ्लाइट के कैप्टन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब ATC ने टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशन में खोज के लिए भेज दिया। वैसे जब भी कभी ऐसा होता है तो ऐसा माना जाता है कि प्लेन जरूर कोई हादसे का शिकार हो गया है, और इसीलिए कोई जवाब उधर से नहीं आ रहा। अब खोजकर्ता की टीम जब अटलांटिक ओशन पहुंची तो उन्हें वहां पर कोई मलबा या कुछ भी एक्सीडेंट के निशान नहीं मिले। अब ATC वाले सोचने लग गए कि कहीं प्लेन अटलांटिक ओशन की गहराई में ना चला गया हो, और इसीलिए उसके लिए भी एक टीम तैयार कर गई। उन्होंने हर वो जगह की छानबीन कर ली जहां पर उन्हें शक था, लेकिन उन्हें प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब पैसेंजर्स के घर वाले भी बहुत परेशान थे कि आखिर फ्लाइट गई तो गई कहां, और एयरलाइंस वालों के पास भी कोई जवाब नहीं था। अब कुछ दिन बीते, महीनों में और महीने फिर साल में बीतना शुरू हो गए, लेकिन प्लेन का कुछ भी अता पता नहीं था। अब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला और आखिरकार उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की, जब एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। ATC वालों को जैसे ही इस प्लेन की सूचना मिलती है तो वो इस प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता और वो प्लेन रनवे की तरफ लगातार बढ़ता आ रहा था। अब फटाफट प्लेन के रनवे को खाली करवाया गया और प्लेन रनवे पर लैंड होता है। अब उन्होंने देखा कि ये तो वही फ्लाइट है जो कि 1954 में गायब हुई थी। अब किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये प्लेन 35 साल बाद आखिर कहां से आ रहा है। जब कर्मचारी प्लेन के अंदर गए तो सबके सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि यहां पर सभी सीट्स कंकाल से भरी हुई थी। जब उन्होंने प्लेन के कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन चला रहे है कैप्टन के हाथ में प्लेन का कंट्रोल था, और उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था। दोस्तों, ये फ्लाइट थी सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात तो ये है कि ये प्लेन आखिरकार इतने समय से कहां पर था। जब इस प्लेन में कोई जिंदा ही नहीं है तो प्लेन सही से लैंड कैसे हुआ, प्लेन का इंजन चालू कैसे है, इन सभी सवालों ने सबको हैरान करके रख दिया था, और लोग कहीं पैनिक ना हो जाए इसीलिए ब्राजील सरकार ने इस बात पर रोक लगा दी। इसकी जब जांच पड़ताल हुई तो अलग अलग थियरी बननी शुरू हो गई, और सबसे पहली थियरी ये आई कि प्लेन कहीं टाइम ट्रेवल में फंस गया था, यानी कि किसी ब्लैक होल में फंस गया था, और उसके रेडिएशन से ही इन सभी लोगों की हालत ये हो गई। दोस्तों, दूसरी थियरी ये थी कि ये किसी एलियन का शिकार हो गया, और तीसरी थियरी ये आई कि ये किसी इंसानी साजिश और थियरी का नतीजा है। अब ये सब तो सिर्फ और सिर्फ एक थियरी है और इसका आज तक किसी को भी पता नहीं चला। दोस्तों, ब्राजील सरकार ने इस घटना की न्यूज को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 1989 में फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया और उन्होंने इस पूरी घटना को छापा। अब जैसे ही ये खबर लोगों ने पढ़ी तो ये खबर आग की तरह फैलने लगी, और इसीलिए लोगों ने इसे 2 थियरीज में बांट दिया, जिसमें कुछ लोग मानते हैं कि ये प्लेन कहीं टाइम ट्रेवल में फंस गया था, और कुछ मानते हैं कि ये कोई भूतिया किस्सा है।
वैसे दोस्तों आपके इस घटना के बारे में क्या विचार है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और ऐसी ही और भी हमारे वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।